गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। आज हम जानेंगे डिफरेंस क्या है कंप्यूटर और एक मैन के बीच में, ह्यूमन बीइंग के बीच में डिफरेंस क्या है, वो क्या लिमिटेशन है जिसके बियॉन्ड जो है कंप्यूटर नहीं जा सकता, एक इंसान की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर जो है एक मशीन है, तो कहीं ना कहीं उसके लिमिटेशन होंगे। तो आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, टोटल 9 पॉइंट्स है, वन बाय वन सबके बारे में हम लोग समझते हैं। फर्स्ट है कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड। कंप्यूटर को आप कितना भी वर्क अगर आप देते हैं तो ये आपसे शिकायत नहीं करेगा कि मैं बहुत थक गया हूँ, आज मैं वर्क नहीं कर सकता। लेकिन वही कि इंसान को एक लिमिट है, उसके बाद वो थक जाएगा। तो ये फर्स्ट यहाँ पे लिमिटेशन आ जाते हैं, ये डिफरेंस है। सेकेंड है वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर जो है वो वर्क काफी फास्ट वर्क करता है, वो 1 सेकेंड में मिलियंस ऑफ वर्क वो आपको करके देगा, 1 सेकेंड में लाखों वो वर्क कर सकता है। लेकिन क्या इंसान कर पाएगा, पॉसिबल है? तो यहाँ पे एक काफी ह्यूज डिफरेंस है। थर्ड पॉइंट है नेवर गेट बोर्ड आफ्टर डूइंग सेम वर्क अगेन एंड अगेन। कंप्यूटर को आप सेम वर्क आप दे दीजिए, वो दिन भर वही करता रहेगा, वो कभी बोरियत उसे महसूस नहीं होगी। लेकिन इंसान को अगर दिन भर वो एक ही काम दिया जाए, जैसे स्टूडेंट है, अगर आपको दिन भर बोला जाए आप पढ़ाई करते रहो, तो वो मुश्किल है, आप थक भी जाएंगे और बोरियत भी महसूस होगी। बट ऐसा नहीं है कंप्यूटर के साथ। चलिए, फोर्थ पॉइंट है डज नॉट मेक एनी मिस्टेक्स। कंप्यूटर जो है वो मिस्टेक नहीं करता। कंप्यूटर में अगर आपने कोई कैलकुलेशन करने को दिया, और जैसे कि आपने सिंपल सा एडिशन ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, 2+3 आपने दिया एडिशन करने के लिए, तो जब भी वो रिजल्ट आपको देगा वो आपको रिजल्ट 5 ही देगा, एड करके वो 5 ही देगा। लेकिन मैन के साथ क्या है, ह्यूमन बीइंग के साथ क्या है, वो मिस्टेक कर सकता है। अगर कोई क्वेश्चन अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसका जो रिजल्ट है वो हो सकता है कि वो रिजल्ट देने में एक इंसान से गलती हो जाए, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, वो हमेशा आपको रिजल्ट हर बारी करेक्ट ही देगा। चलिए, फिफ्थ पॉइंट है डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स। फीलिंग नहीं होती कंप्यूटर के साथ, किसी भी मशीन में फीलिंग नहीं होती है, तो कंप्यूटर में भी फीलिंग्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी दिन कंप्यूटर जो है वो बैड फीलिंग उसे हो रही है, वो खुशी में है या कभी किसी दुख में है, तो उसके वर्क पे असर पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसे फीलिंग नहीं होती है। लेकिन इंसान के साथ क्या है कि फीलिंग है, अगर उस दिन कुछ उसे किसी तरह की प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, तो उसमें उसके वर्क पे भी उसका असर आ ही जाता है, वो उतना फास्ट वर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन जो मशीन है, जो कंप्यूटर है, उसे फीलिंग नहीं होती है, वो वर्क बिल्कुल एज इट इज करेगा जैसा वो पहले करता आया था। चलिए, सिक्स पॉइंट है नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। कंप्यूटर को वर्क करने के लिए जो फर्स्ट थिंग है, जो उसे प्रोवाइड करनी होती है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली पे ही कंप्यूटर आपका वर्क करेगा। इंसान के साथ क्या है, उसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है काम करने के लिए, वो काम करता जाता है। चलिए, अब इसका सेवन पॉइंट है स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी एंड नेवर फॉरगेट इट। कंप्यूटर के पास जो है एक डिवाइस है जिसका नाम है मेमोरी। मेमोरी होती है कंप्यूटर के पास भी, जिसमें वो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन, और वो उसको कभी भूलता नहीं है, वो नेवर फॉरगेट इट, वो कभी भूलता नहीं है उस इंफॉर्मेशन को जो उसने स्टोर किया अपने मेमोरी में। लेकिन इंसान के साथ क्या है कि वो मे फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर इन मेमोरी, वो भूल सकता है कि उसने क्या इंफॉर्मेशन स्टोर किया था। पुरानी यादों को हम लोग कैसे भूल जाते हैं, पुरानी चीजें जो है जैसे बचपन की है, फर्स्ट डे स्कूल तो चलो याद भी रहता है, पर सेकंड डे क्या हुआ स्कूल में क्या याद रह पाएगा, नहीं अभी याद रह पाएगा। लेकिन उसी कंप्यूटर में अगर आपने कुछ स्टोर किया है तो आप जब भी चाहे उस इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर उसको स्टोर रखे हुए है और उसको वो भूलता नहीं है। चलिए, एक पॉइंट है कैनॉट मेक डिसीजन। कंप्यूटर जो है डिसीजन नहीं ले सकता है। मान लीजिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं अगर दिए हुए, तो कंप्यूटर खुद से वो डिसीजन नहीं लेगा कि कौन से ऑप्शन को हमें चूज करना है।
हाँ एक हद तक प्रोग्राम किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, अलग से प्रोग्राम बनाते हैं जिससे कंप्यूटर इंस्ट्रक्ट होता है कि कौन सा डिसीजन उसे एक वक्त में लेना है, बट ये जो डिसीजन मेकिंग है वहां पे भी इंस्ट्रक्शन के माध्यम से उसके एक लिमिटेशन है, आप हर चीज आप नहीं उसकी इंस्ट्रक्शन आप नहीं दे सकते, लेकिन इंसान क्या है वो उससे डिसीजन लेता है। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में कि अगर मल्टीपल बॉक्स आ रहे हैं, बहुत सारे वर्क है कंप्यूटर के पास, एक इंसान के पास बहुत सारे वर्क आते हैं करने के लिए, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है वो उसको प्रायोरिटी पे लेता है, पहले उसको करता है, फिर सेकेंड प्रायोरिटी वाले वर्क को वो डन करता है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर क्या करेगा, पहले जो भी वर्क इसे दिया गया है पहले उसको वो डन करेगा। तो ये एक डिसीजन मेकिंग जो है वो एबिलिटी कंप्यूटर में नहीं होती। चलिए 9th पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है, नीड आवर इंस्ट्रक्शन टू वर्क। कंप्यूटर को वर्क करने के लिए इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, किसके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, तो हमारे आपके द्वारा जो कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं उनके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, या जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं उसके थ्रू वर्क होता है, तो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, वर्क करता है। लेकिन जो मैन है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो क्या करेगा, वो खुद से डिसीजन लेगा और खुद से वो वर्क करके देगा। तो जो वर्क करता है वो खुद डिसाइड करता है कि कौन सा काम हमें पहले करना है कौन सा बाद में करना है, इसके लिए उसे किसी सेकेंड पर्सन की जरूरत नहीं होती है। अब हम जानेंगे कंप्यूटर के लिमिटेशंस के बारे में। अभी तक हमने डिफरेंस देखा एक ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर मशीन के बीच में क्या डिफरेंस है, वहीं से हमें लिमिटेशंस के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी मिली। अब उसे एक जगह हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली ये 4 पॉइंट्स हैं जिसे आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर क्या लिमिटेशंस हैं, क्या सीमा है, उसके बियॉन्ड वो वर्क नहीं करता या उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकता। देखिए क्या है, फर्स्ट पॉइंट है 0 IQ। कंप्यूटर के पास अपना खुद का इंटेलिजेंस नहीं होता है, एक इंसान के द्वारा एक प्रोग्रामर के द्वारा उसे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता है, तब वो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है, वो खुद से नहीं डिसीजन लेता है। जो भी टास्क उसे परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है वो खुद से नहीं करता है, जैसा उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वैसा वो वर्क करेगा। अगर आपने गलत इंस्ट्रक्शन दे दिया तो वो कैलकुलेशन भी आपको गलत ही करके दिखाएगा, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंस नहीं होती उसके पास, क्योंकि नो डिसीजन मेकिंग। अभी मैंने आपको डिसीजन के बारे में बोला कि डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है वो एक कंप्यूटर के पास नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे वर्ड है उसके सामने, कंप्यूटर में आपने बहुत सारे वर्क किया, बट वो खुद से टॉप प्रायोरिटी पे किस वर्क को रखना है ये खुद वो डिसाइड नहीं करेगा, बट एक इंसान खुद के सामने अगर बहुत सारे वर्क आते हैं तो वो खुद से सोचता है, वो डिसीजन लेता है कि कौन से वर्क को हमें पहले करना है। तो ये जो डिसीजन वाली जो एबिलिटी है वो कंप्यूटर में कम होती है, ये लिमिटेशन है उसके। नो फीलिंग्स नहीं होती है। अगर इंसान के साथ क्या है कि अगर किसी दिन वो टेंशन में है, किसी प्रॉब्लम में है, तो वो काम करने में उसका मन नहीं लगेगा, लेकिन कुछ वो गलती कर सकता है, इंसान के द्वारा गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर में चूंकि फीलिंग्स नहीं होती तो वो आप जैसा वर्क करके देंगे वो बिना किसी मिस्टेक के वो करेगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होगा कि किसी दिन कंप्यूटर काफी खुश हो जाएगा और उस दिन वो ज्यादा वर्क करके देगा, और किसी दिन दुखी है तो कम वर्क करके देगा, ऐसा नहीं होगा। एक्सपेंसिव कंप्यूटर जो है आज भी काफी महंगा है, एक आम आदमी के लिए आज भी थोड़ा सा मुश्किल है कंप्यूटर को परचेज करना खरीदना। लाइक ऐसे अगर आप 20 साल पहले देखेंगे तो टीवी लेना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हुआ करता था, बट आज क्या है कि टीवी हर घर में, गांव में से लेके टाउन में, भाई गांव में भी हर घर में आपको एक टीवी मिलेगा। तो उसी तरह बट कंप्यूटर में अभी वो चीज नहीं आई है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अभी घर घर तक ये कंप्यूटर नहीं पहुंचा है, नियर फ्यूचर में देखिए थोड़ा और बेटर होगा, दाम कम होंगे तो ये घर घर तक पहुंच जाएगा। तो ये लिमिटेशन है इसके। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषता क्या है, कंप्यूटर में क्या खूबी होती है।
और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है जिसका हम देखते हैं, तब तक के लिए